हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की वीडियो में आपका जो है स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो अंडर 10,000 के अंदर का, दोस्तों अगर आप स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो दोस्तों ये 4 से 5 स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट है। सबसे बेस्ट आपको जो स्मार्टफोन बताने वाला हूं, तो गाइस वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आपको मैं बताता हूं, मैंने जो अपने मोबाइल में लिस्ट बना के रखी है आपके लिए, काफी सारी जो लिस्ट बना के रखी है जिनमें आपको जो है काफी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन में आपको बताने वाला हूं जो कि 10,000 की प्राइस के अंदर आपको जो है मिल जाएंगे। तो दोस्तों फर्स्ट में हम बात करते हैं रियलमी 5i की। तो दोस्तों रियलमी की तरफ से 5i आपको जो है मिल जाता है 10,000 के अंदर की प्राइस के अंदर। इसमें दोस्तों अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो 6.52 इंच की जो इसमें डिस्प्ले मिल जाती है, प्लस दोस्तों इसमें 8 मेगापिक्सल का आपको जो है फ्रंट कैमरा मिल जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों इसमें जो है आप वेरिएंट देख सकते हो, वेरिएंट भी दोस्तों आपको 3 से 4 कलर में आपको जो है वेरिएंट अवेलेबल हो जाते हैं। 4 GB प्लस 64 GB का आपको इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, 4 GB की रैम मिल जाती है। अगर इसके दोस्तों मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो दोस्तों एंड्रॉयड प्रोसेसर है। और रिजोल्यूशन की बात करूँ दोस्तों स्क्रीन रिजोल्यूशन की, तो 720p की इसकी जो है रिजोल्यूशन है, तो दोस्तों काफ़ी अच्छा जो है। और इसका दोस्तों अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो दोस्तों 6.52 इंच की जो इसकी डिस्प्ले, प्लस दोस्तों इसके स्नैपड्रैगन प्रोसेसर 665। जी हां दोस्तों, सबसे अच्छी बात मुझे लगी इसमें दोस्तों स्नैपड्रैगन प्रोसेस 665 दोस्तों इसमें जो है आपको दिया गया है, जो कि दोस्तों प्राइस के अंदर काफ़ी अच्छा है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको जो है इसमें 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि दोस्तों 1 से 2 दिन तक आपको जो है आराम से पावर बैकअप दे देगी। आई होप दोस्तों आपको जो है काफ़ी अच्छा जो स्मार्टफोन लगा होगा। अगर नहीं लगा तो दोस्तों आप जो है दूसरा स्मार्टफोन जो है देख सकते हो। तो दोस्तों दूसरा स्मार्टफोन आ रहा है सैमसंग की तरफ से M30। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग M30 दोस्तों आपको जो है काफ़ी अच्छा जो है वेरिएंट है। और M30 लगभग दोस्तों M31 और M30 दोनों को कंपैरिजन करें तो दोस्तों दोनों ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट दोस्तों यह है कि प्राइस में आपको जो है 2 से 4 हज़ार रुपये महंगा जो है M31 आपको जो है मिल जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों इसके अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो 6.40 इंच की, यानी 6.40 इंच की इसकी आपको जो है डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि काफ़ी बेस्ट है। बिल्कुल साइज़ में भी आपको जो है परफेक्ट मिलता है। और साइज़ के साथ साथ दोस्तों इसमें सैमसंग Exynos, जी हाँ दोस्तों सैमसंग Exynos 7904 का आपको जो है प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि सबसे बेस्ट माना जाता है सैमसंग के लिए। और इसके फ्रंट कैमरे की भी दोस्तों अगर मैं बात करूँ, फ्रंट कैमरा आप जो है सेल्फी वगैरह का शौकीन तो होंगे, तो दोस्तों में 16 मेगापिक्सल का आपको जो है फ्रंट कैमरा मिल जाता है। 16 मेगापिक्सल के साथ साथ दोस्तों आपको जो है 4 GB 64 GB इसमें वेरिएंट मिल जाता है, 6 GB 128 GB, 6 GB 64 GB और 8 GB 128 GB भी आपको वेरिएंट मिल जाता है। दोस्तों आपके पॉकेट पे डिपेंड करेगा कि आप कितना जो है ज़्यादा रैम वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो। अगर ज़्यादा रेंज वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो दोस्तों आपको जो है, और आगे मैं बताऊँगा कि 15,000 के अंदर जो है कितने अच्छे अच्छे जो स्मार्टफोन हैं उनको कंपेरिजन भी करेंगे हम। तो दोस्तों वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके दोस्तों अगर हम बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की इसमें आपको जो बैटरी मिल जाती है, प्लस दोस्तों इसमें एंड्रॉयड प्रोसेसर मिल जाता है। और एंड्रॉयड प्रोसेसर मिलने के साथ साथ दोस्तों इसके स्क्रीन रिजोल्यूशन की बात करूं तो 1080 पिक्सल की इसमें जो है आपको स्क्रीन रिजोल्यूशन मिल जाती है, जो कि परफेक्ट है, पूरे स्क्रीन को जो है कवर कर लेती है। साथ ही साथ दोस्तों हम जो है आगे चलते हैं तो Realme U1। जी हाँ दोस्तों, Realme का एक और स्मार्टफोन निकल के आ रहा है। तो Realme दोस्तों जो है काफ़ी अच्छी कंपनी अभी चल रही है मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा जो है स्मार्टफोन ये जो है ला रही है, नए स्मार्टफोन जो है काफ़ी बजट में आपको जो स्मार्टफोन प्रोवाइड कर रही है। तो इसने दोस्तों जो है काफ़ी अच्छे जो है कंपेरिजन के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे जो है मोबाइल इसमें जो है प्रोवाइड कर रखे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें स्क्रीन डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ स्क्रीन की, तो 6.30 इंच की इसमें आपको जो है डिस्प्ले मिल जाती है। MediaTek Helio P70 का इसमें आपको जो है प्रोसेसर मिलता है, प्लस फ्रंट कैमरे की अगर इसमें बात करूँ तो 25 मेगापिक्सल का इसमें आपको जो फ्रंट कैमरा मिल जाता है। आपने देखा होगा आप ऐसे कर करके सेल्फी लेते हो तो दोस्तों आपको जो है वो काफ़ी अच्छा है जो है कैमरा आपको दिया गया है, 25 मेगापिक्सल का आपको जो कैमरा मिल जाता है। प्लस दोस्तों इसके रियर कैमरे की बात करूँ, पीछे वाले कैमरे की दोस्तों अगर मैं बात करूँ उसके Realme U1 की, तो दोस्तों मेरे पास है Honor 9N, तो Honor 9N और Realme सेम ही जो है मॉडल है और सेम ही दोस्तों लगभग लगभग सेम ही इसकी प्राइस है। ये दोस्तों जो है 9000 का आपको जो है पड़ जाता है।
और दोस्तों वो भी आपको 9,000-9,500 का आपको जो है पड़ जाता है 3 और शायद 32 GB में। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले 4 GB 64 GB, जी हाँ दोस्तों 4 GB 64 GB का वेरिएंट आपको अंडर 10,000 के अंदर आपको जो है मिल जाएगा। इसकी रेट जो है अब डाउन हो चुकी है। तो दोस्तों पहले आपको जो है 3 GB वाला स्मार्टफोन मिलता था 9,500 में, अब दोस्तों आपको जो है 4 GB वाला मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। आपको जो है 10,000 के अंदर ही आपको जो है 4 GB और 64 GB वाला वेरियंट आपको जो है मिल जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों इसमें 3500 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, 3500 mAh जो है बैटरी मिल जाती है। उसके साथ साथ दोस्तों एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड बेस पे वर्क करता है। और स्क्रीन रिजोल्यूशन की बात करूं दोस्तों, स्क्रीन रिजोल्यूशन आप देख रहे होंगे पूरी स्क्रीन, तो इस स्क्रीन रिजोल्यूशन को दोस्तों जो है 1080 पिक्सल यानी 1080 पिक्सल का जो है रिजोल्यूशन बनाती है। इसके साथ ही दोस्तों हम आगे चलते हैं, तो दोस्तों Redmi 8, तो दोस्तों आपको बता देता हूँ 4th नंबर पर आता है दोस्तों हमारा Redmi 8, जो कि काफ़ी अच्छा जो स्मार्टफोन है। तो यहाँ पर ज़्यादा स्मार्टफोन दोस्तों Redmi की तरफ से निकल के आ रहे हैं, क्योंकि Redmi यार जो एक बजट में आपको जो है काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन प्रोवाइड कर देती है, रैम वगैरह काफ़ी अच्छी रहती है Redmi की। और दोस्तों बजट में आपको जो स्मार्टफोन दे देती है 8 से 10 हज़ार के बीच में, 4 GB रैम मिल जाता है, प्लस जो प्रोसेसर होता है वो भी आपको जो है काफ़ी अच्छा जो प्रोसेसर दे दिया जाता है। तो मार्केट में दोस्तों इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो चुकी है। अगर आप स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो दोस्तों आप जो है एक और ये मैं आपको बता देता हूँ, इसमें दोस्तों आपको 6.22 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, 6.22 इंच की आपको इसमें डिस्प्ले मिलती है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर इसमें स्नैपड्रैगन 439 का जो है इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है, स्नैपड्रैगन 439 का, प्लस दोस्तों इसमें फ्रंट कैमरे की बात करूँ फ्रंट कैमरे की, तो दोस्तों 8 MP का आपको जो है फ्रंट कैमरा मिलता है। रियर कैमरे की बात करूँ पीछे के कैमरे की, तो दोस्तों आपको 12 MP प्लस 2 MP का आपको कैमरा मिलता है। डबल कैमरे है दोस्तों बैक में, तो देख सकते हो आप जो है, आपको लेना हो तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हो, पसंद आ जाए तो परचेस कर लेना, पसंद नहीं आता है तो कोई बात नहीं यार, देख तो सकते हो, देखने का कोई पैसा नहीं है। रैम पर जाओगे तो दोस्तों रैम आपको जो है 4 GB 64 GB इंटरनल 4 GB रैम, उसके साथ दोस्तों 5000 mAh की बैटरी, प्लस दोस्तों एंड्रॉइड पर वर्क करता है। और स्क्रीन रिजोल्यूशन की बात करूं तो 720 पिक्सल का स्क्रीन रिजोल्यूशन मिल जाता है। तो दोस्तों ये 3 से 4 स्मार्टफोन थे। इस 4 स्मार्टफोन में दोस्तों आपको जो कौन सा अच्छा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर दोस्तों आप इनमें से खरीदना चाहते हो तो मैं रेकमेंड करूँगा सैमसंग का M30 आप खरीद सकते हो, या फिर दोस्तों रियलमी का 5i आप जो है खरीद सकते हो, क्योंकि ये दोनों जो है काफ़ी बेस्ट है आपके लिए, बजट में भी है। और दोस्तों इसमें मैं इसलिए इनको जो है रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इनकी स्क्रीन डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी है, प्लस इसमें दोस्तों जो है आपको 720 पिक्सल के रिजोल्यूशन प्लस 1080 पिक्सल का रिजोल्यूशन मिल जाता है। तो दोस्तों कंपेयर कर सकते हो आप, दोनों कंपेयर कर लेना, जो भी आपको बेस्ट लगता है वो आप खरीद सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको दोस्तों जो है कुछ भी नॉलेजफुल वीडियो चाहिए या फिर कुछ भी मोबाइल से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके जो है इनको परचेस करना चाहो तो परचेस कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप अगर देखना चाहते हो मोबाइल को तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। थैंक यू गाइस, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।